62वां अध्याय लग्न फल राशियों के चर स्थिर आदि भेद ग्रहों का स्वभाव तथा 7 बारों के किए जाने योग्य प्रशस्त कर्म। भगवान श्रीहरि ने कहा, हे शिव, सूर्य उदय काल से मेषादि राशि अवस्थित रहती हैं। वे दिन में क्रमशः 6 राशियों को पार कर रात्रि में शेष 6 राशियों को पार करते हैं। मेष लग्न में कन्या का जन्म होने पर वह बंध्या होती है। वृष लग्न में उत्पन्न हुई कन्या कामिनी होती है। मिथुन लग्न वाली सौभाग्यशालिनी तथा कर्क लग्न में उत्पन्न हुई कन्या वैश्या होती है। सिंह लग्न में जन्म प्राप्त करने वाली कन्या अल्प पुत्रों वाली कन्या लग्न में उत्पन्न कन्या रूप गुण से संपन्न, तुला लग्न वाली कन्या ऐश्वर्य से संपन्न, वृश्चिक लग्न वाली कर्क स्वभाव की होती है। धनु लग्न में उत्पन्न कन्या सौभाग्यवती तथा मकर लग्न वाली कन्या निम्न पुरुषों के साथ गमन करने का विचार रखने वाली होती है। कुंभ लग्न में प्राप्त कन्या अल्प पुत्रवान मीन लग्न वाली कन्या वैराग्य युक्त होती है। तुला, कर्क, मेष और मकर ये 4 राशियां हैं। इनमें यात्रादि चर कार्य करने चाहे। सिंह, वृष, कुंभ और वृश्चिक स्थिर राशि है, इसमें स्थिर कार्य करने चाहे। कन्या धनु मीन एवं मिथुन राशि दुष्स्वभाव की होती है। विद्वान व्यक्ति को इन राशियों में दुष्स्वभाव से युक्त कर्म करने चाहे। यात्रा लग्न में तथा ग्रह प्रवेश आदि का कार्य में स्थिर लग्न करना चाहे। देवताओं की स्थापना और वैवाहिक संस्कार को दुष्स्वभाव के लग्न में करना चाहे। हे वृषभध्वज, प्रतिपदा षष्ठी तथा एकादशी तिथियां नंदा मानी गई हैं। द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथियां भद्रा कही गई हैं। तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथियां जया कही गई हैं। चतुर्थी, नवमी तथा चतुर्दशी ये तिथियां रिक्ता कही गई हैं। ये शुभ कार्य के लिए वर्जित हैं। सौम्य स्वभाव वाला बुध ग्रह चर स्वभाव है। क्षिप्र, गुरु, शुक्र, मृद और रवि ध्रुव स्वभाव का है। शनि दारुण, मंगल उग्र तथा चंद्रमा को सम स्वभाव का जानना चाहिए। चर और क्षिप्र स्वभाव वाले अर्थात बुध एवं बृहस्पति के बार में यात्रा करनी चाहिए अथवा बुध बृहस्पति बार को यात्रा करनी चाहिए तथा मृद और ध्रुव स्वभाव से संयुक्त शुक्र अथवा रविवार को ग्रह प्रवेश आदि कार्य करना चाहिए। दारुण और उग्र स्वभाव वाले शनि तथा मंगलवार को विजय प्राप्त करने की अभिलाषा से क्षत्रियादि वीरों को युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए। राज्याभिषेक और अग्नि कार्य सोमवार को प्रशस्त माना गया है। सोमवार में लिपाई का कार्य एवं ग्रह का शुभारंभ करना श्रेयस्कर है। मंगलवार को सेनापति का पद भार वहन करना, शौर्य पराक्रम का कार्य तथा शास्त्राभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। बुध के दिन किसी कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना, मंत्रणा करना और यात्रा करना सफलदायक माना गया है। बृहस्पतिवार को वेद पाठ, देव पूजा तथा वस्त्र अलंकार आदि धारण कार्य करने चाहिए। शुक्रवार को कन्यादान, गजारोहण तथा स्त्री सहवास उचित है। शनिवार को ग्रहारंभ प्रवेश, ग्रह प्रवेश और गजबंधन के कार्य भी शुभ माने गए हैं। 63वां अध्याय सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्री पुरुष के शुभाशुभ लक्षण, मस्तक एवं हस्तरेखा से आयु का परिज्ञान। भगवान श्रीहरि ने कहा, हे शिव, अब मैं स्त्री पुरुष के लक्षणों का वर्णन संक्षेप में कर रहा हूँ, आप सुने। जिनके हाथ पांव के तल पसीने से रहित हो, कमल के भीतरी भाग की तरह मृदु एवं रक्त हों, अंगुलियां सटी हुई हों, नाखून तांबे के वर्ण के समान थोड़े रक्त वाले हों, पांव सुंदर गुल्फ वाले नसों से रहित और कूर्म के समान उन्नत हों, उन्हें नृप श्रेष्ठ समझना चाहे एवं रुक्ष थोड़ा पीलापन लिए हुए, श्वेत नख वाले, वक्र तथा नसों से भरे हुए और विरल अंगुलियों से युक्त सूर्पाकार चरणों वाले मनुष्य दुखी एवं दरिद्र होते हैं। अल्परूमों से युक्त गलसुंड के समान सुंदर जंघा प्रवेश तथा एक एक रोम से भरे हुए रोमकूप वाला शरीर राजा और महात्मा का माना गया है। प्रत्येक रोमकूप में 2-2 रोम होने पर
मनुष्य श्रोत्रिय या पंडित होता है। तीन तीन रोम होने से व्याप्त रोम को दरिद्रता का प्रतीक है। मांस रहित अत्यंत कृष जानो युगल वाला मनुष्य रोगी होता है। समान उदर भाग से सुशोभित मनुष्य अतिशय भोग से समृद्ध और कुंभ के सदृश उन्नत या सर्प के समान उदर भाग वाले लोग अत्यंत दरिद्र होते हैं। रेखाओं के द्वारा आयु का निर्णय किया जाता है। जिसके ललाट पर समान आकार वाले तीन रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, वह पुत्रादि से संपन्न रहकर सुखपूर्वक 60 वर्ष तक जीवित रहता है। मस्तक पर दो रेखाओं के दृष्टिगोचर होने पर मनुष्य की आयु 40 वर्ष की होती है। एक रेखा के होने पर उस मनुष्य का जीवन 20 वर्ष मानना चाहिए, किंतु कर्ण पर्यंत एक रेखा के होने पर वह दीर्घायु को होता है, शतायु को प्राप्त होता है। ललाट पर कान तक विस्तृत दो रेखाओं के होने से तो मनुष्य की आयु 70 वर्ष तथा वैसे ही तीन रेखाओं के रहने पर उसकी आयु 60 वर्ष की माननी चाहिए। ललाट पर रेखाओं की व्यक्त अव्यक्त स्थिति होने पर मनुष्य 20 वर्ष की आयु को ही प्राप्त कर सकता है। रेखा विहीन ललाट के होने पर मनुष्य 40 वर्ष तक जीवित रहता है। रेखाओं के छिन्न भिन्न रहने पर मनुष्य की अल्पायु रहती है अथवा अकाल मृत्यु होती है। जिसके मस्तक पर त्रिशूल अथवा फरसे के समान चिन्ह दिखाई देता है, वह धन पुत्रादि से परिपूर्ण होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। इस संपूर्ण पृथ्वी पर सुख ऐश्वर्य से संपन्न वह जीव अपना जीवन यापन करता है, वह मनुष्य। हे रुद्र, तर्जनी और मध्यमा अंगुली के मध्य भाग तक आयु रेखा के पहुंचने पर मनुष्य शतायु को प्राप्त होता है। अंगुली के मूल भाग से निकलने वाली प्रथम रेखा, मध्य अंगुली के मूल से जो रेखा जाती है वह आयु रेखा कही गई है। यह रेखा कनिष्ठा अंगुली के मूल से निकलकर मध्य भाग के मूल भाग को प्राप्त करती है अथवा मध्यमा अंगुली के मूल भाग तक पहुंचती है। यदि यह रेखा विच्छिन्न या किसी अन्य रेखा से विभक्त नहीं होती है तो ऐसी व्यक्ति की आयु 100 वर्ष की होती है। हे रुद्र, जिसके हाथ में यह आयु रेखा स्पष्ट दिखाई देती है उसकी आयु 100 वर्ष अवश्य होती है, इसमें संदेह नहीं है। जो रेखा कनिष्ठा अंगुली के मूल से होकर मध्यमा अंगुली के मूल तक विस्तार को प्राप्त करती है वह रेखा मनुष्य को 60 वर्ष आयु प्रदान करने में सक्षम होती है। ज्ञानी पुरुष, विद्वान पुरुष इन रेखाओं के माध्यम से जीव के मनुष्य के आयु का निर्धारण कर सकता है अथवा उसके जीवन में शुभ अशुभ लक्षणों का वर्णन कर सकता है। उसके जीवन का जो भौतिक सुख है, दैविक सुख है, उसका अनुमान वह ज्ञानी पुरुष, विद्वान पुरुष इन रेखाओं के माध्यम से जान सकता है अथवा जातक अपनी रेखाओं के द्वारा अपने भविष्य का निर्धारण विचार कर सकता है। यदि शास्त्र विहित रेखाएं मानव के हाथों पर ललाटों पर विद्यमान होती है तो निश्चित रूप से वह जातक, वह मनुष्य इस धरातल पर संपूर्ण वैभव को प्राप्त करता है, राज्य श्री लक्ष्मी को प्राप्त करता है और कर्म रेखा के आधार पर ऊर्ध्व अथवा पतित कर्मों को करते हुए वह जीवन यापन कर सकता है। 64वां अध्याय, स्त्रियों के शुभ अशुभ लक्षण। भगवान श्रीहरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं स्त्रियों के शुभ तथा अशुभ लक्षणों का वर्णन करता हूँ। जिस कन्या के केश घुंघराले, मुखमंडलाकार अर्थात गोल एवं नाभि दक्षिणावर्त होती है वह कुल की वृद्धि करने वाली होती है। जो स्वर्ण सदृश आभा वाली होती है, जिसके हाथ लाल कमल के समान सुंदर होते हैं, वह हजारों स्त्रियों में अद्वितीय तथा पतिव्रता होती है। जो कन्या वक्र केशों वाली और गोल नेत्र वाली होती है वह निश्चित ही दुख भोगने वाली तथा उसका पति शीघ्र ही मरण को प्राप्त हो जाता है अर्थात मर जाता है। पूर्ण चंद्र के सदृश मुखमंडल के
समान सुशोभित बाल सूर्य के समान लाल लाल कांति वाली विशाल नेत्रों से युक्त बिंबाफल के भांति ओष्ठ वाली कन्या चिरकाल तक सुख का भोग करती है। हस्ततल में बहुत सी रेखाओं के होने पर कष्ट तथा अल्प रेखाओं के होने पर वह धनहीनता का दुख भोगती है। हाथ में रक्त वर्ण की रेखाओं के होने से वह सुखी जीवन व्यतीत करती है, किंतु कृष्ण वर्ण की रेखाओं के होने पर वह दास्य वृत्ति वाली दूती का जीवन व्यतीत करती है। अच्छी स्त्री वह है जो पति के कार्यों में मंत्री के समान परामर्श देने वाली होती है, सहयोग में मित्र के समान बर्ताव करती है, स्नेह के व्यवहार में भार्या अथवा माता का, शयन काल में वैश्या के समान सुख प्रदान करती है। जिस कन्या के हाथ में अंकुश कुंडल और चक्र के चिन्ह विद्यमान रहते हैं वह पुत्र से संपन्न होती है और राजा को पति के रूप में वरण करती है। जिस स्त्री के दोनों पार्श्व और स्तन प्रदेश रोम रहित होते हैं अथवा रोमांवित होते हैं वह अदरोष्ट भाग ऊंचा उठा हुआ होता है वह निश्चित ही शीघ्र पति का नाश करने वाली होती है। जिसके हाथ में प्राकार और तोरण की रेखाएं दिखाई देती हैं वह दास कुल में भी उत्पन्न होकर रानी के पद को प्राप्त करती है। जिस कन्या के नाभि ऊपर की ओर उठी हुई मंडलाकार एवं कपिल वर्ण की रोमावली से आवृत रहती हैं वह कन्या राजकुल में उत्पन्न होकर दासी की वृत्ति से जीवन यापन करती हैं। जिस स्त्री के चलने पर दोनों पैर की अनामिका तथा अंगुल पृथ्वी तल पर स्पर्श नहीं करते हैं वह शीघ्र ही पति का नाश करती है तथा स्वयं स्वेच्छाचार पूर्वक जीवन बिताने वाली होती है। जिस स्त्री के चलने से पृथ्वी में कंपन हो उठता है वह शीघ्र ही पति का नाश करके स्वेच्छाचारिणी बन जाती है। सुंदर मनोहारी नेत्रों के होने से स्त्री सौभाग्यशालिनी उज्ज्वल चमकते हुए दांतों के होने पर उत्तम भोजन प्राप्त करने वाली शरीर की त्वचा सुंदर एवं कोमल होने से उत्तम प्रकार की सैया तथा कोमल स्निग्ध चरणों के होने पर वह श्रेष्ठ वाहन का सुख प्राप्त करती है। चिकने ऊंचे उठे हुए ताम्र वर्ण के समान लाल लाल नखों से युक्त मत्स्य अंकुश पद्म चक्र तथा लांगल चिन्हों से सुशोभित एवं पसीने से रहित और कोमल मत वाले स्त्री के चरण सौभाग्यशाली होते हैं। सुंदर रोम विहीन जंघा गजसुंड के सदृश उरु पीपल पत्र के समान विशाल उत्तम ग्रह भाग गुह्य भाग दक्षिणावर्त गंभीर नाभि रोम रहित त्रिवली और हृदय पर सुशोभित रोम रहित स्तन प्रदेश ये उत्तम स्त्री के लक्षण माने गए हैं। 65वां अध्याय स्त्री एवं पुरुषों के शुभ अशुभ लक्षण। भगवान श्रीहरि ने कहा कि अब मैं सामुद्रिका शास्त्र के माध्यम से कहे गए स्त्री और पुरुष के शुभाशुभ लक्षणों का वर्णन करता हूँ जिन्हें जान लेने से भूत तथा भविष्य का ज्ञान हो जाता है। मार्ग में गमन करने पर विषय रूप में पड़ने वाले कषाय वर्ण युक्त विचित्र प्रकार के बने हुए चरण वंश का नाश करते हैं। षड्वाकार चरणों से युक्त मनुष्य ब्रह्म हत्या करता है तथा अगम्या स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा रखता है। विरल रोम भाग युक्त जंगा तथा हाथी के सूंड के समान सुंदर उरु भागों वाले अंग राजा के शरीर में सुशोभित होते हैं। दरिद्र की जंघाएं सियार की जंघाओं के समान होती हैं। कुंचित केश राशि वाले मनुष्य की मृत्यु विदेश में होती है। मांत रहित जान प्रदेश वाला व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। अल्प और छोटी छोटी जानों के होने से मनुष्य स्त्री प्रेमी तथा विशाल विकटाकार होने पर दरिद्र होता है। मांस से भरपूर जानों के होने पर मनुष्य राज्य की प्राप्ति करता है। बड़ी जानों के होने पर मनुष्य दीर्घायु वाला होता है। मांसल स्थित प्रदेश वाला व्यक्ति सुखी तथा सिंह के समान स्थित होने पर वह राजपुरुष माना जाता है। इसी प्रकार सिंह के सदृश कटिक प्रदेश के होने पर वह राजा होता है, किंतु कपिल समान कटिभाग वाला व्यक्ति निर्धन होता है। समान कक्ष प्रदेश वाले अत्यंत भोगी विलासी होते हैं। निम्न कक्षाओं वाले धनहीन तथा उन्नत एवं विषम कक्षाओं वाले कुटिल तथा कपटी होते हैं।
मत्स्य के समान उदर वाले प्रचुर धनवान होते हैं। विस्तीर्ण नाभिक प्रदेश से सुशोभित जन सुखी एवं अत्यधिक गहरी नाभि के होने पर कष्ट भोगने वाले होते हैं। त्रिवली के मध्य भाग में नाभि के अवस्थित होने पर प्राणी शूल रोग से ग्रसित होते हैं। वामावर्त नाभि के होने पर शक्ति संपन्न और दक्षिणावर्त होने पर मेधावी होते हैं। पार्श्व देश में नाभि के विस्तृत होने से मनुष्य चिरंजीवी उन्नत होने पर ऐश्वर्यशाली अधोमुख होने पर गोधन से संपन्न एवं पद्मकर्णिका के सदृश होने पर वह राजत्व को प्राप्त करता है। उदर भाग पर एक बल्ली के रहने पर मनुष्य शतायु होता है। दो बल्लियों के होने से वह ऐश्वर्य का भोग करने वाला तथा त्रिबल्ली के होने पर राजा या आचार्य की पदवी को प्राप्त करता है। मनुष्य बलियों वाला सुखी होता है। वक्र बलि वाला व्यक्ति अगम्यागामी होता है। जिसके दोनों पार्श्व भाग मांसल होते हैं वह राजा होता है। मृदु कोमल सुंदर और समभाग की दूरियों पर अवस्थित दक्षिणावर्ती रोम राशियों से सुशोभित व्यक्ति भी राजा होता है। यदि उदर प्रदेश पर इन लक्षणों के विपरीत रोम राशियां होती हैं तो ऐसे मनुष्य दूत कर्म करने वाले निर्धन तथा सुख से रहित होते हैं। समुन्नत मांसल तथा कंपन रहित विशाल भक्षस्थल राजाओं का होता है। अधम जनों का भक्षस्थल तो गर्दभों की रोम राशि के समान कर्कश तथा रोमावलियों से युक्त स्पष्ट परिलक्षित होने वाली नसों से व्याप्त रहता है। समतल भक्षस्थल वाले मनुष्य धन संपन्न होते हैं। पीन भक्षस्थल वाले युक्त प्राणी शक्ति संपन्न होता है। विषम भक्षस्थल के होने पर मनुष्य निर्धन होता है और उसकी मृत्यु शस्त्राघात से होती है। स्कंद प्रदेश के संध स्थान में विषमता तथा अस्थि संलग्नता के होने पर भी मनुष्य निर्धन होते हैं। उन्नत स्कंद प्रदेश के होने से व्यक्ति भोगी निम्न होने पर धनहीन तथा स्थूल होने पर धनी होता है। चिपटाकार कंठ से युक्त मनुष्य निर्धन शुष्क एवं उन्नत सिराओं से व्याप्त गले वाला सुखी होता है। महेश के सदृश ग्रीवा वाला वीर तथा मृग के समान कंठ वाला शास्त्रों में पारंगत होता है। शंख के समान ग्रीवा वाला मनुष्य राजा और लंबे कंठ वाला बहुत भोजन करने वाला होता है। रोम रहित एवं मुड़ा हुआ पृष्ठ प्रदेश शुभ तथा उसके विपरीत रहने पर अशुभ माना गया है। पीपल पत्र के सदृश सुगंधित तथा मृग के सदृश रोमावलियों से उत्तम वह माना गया है। इसके विपरीत कक्षाओं से जो लक्षण होते हैं वे निर्धनों की अथवा दरिद्रता का कारण बनता है। मांसल श्लिष्ट विशाल बलिष्ठ वृताकार तथा जान पर्यंत लंबी सुंदर भुजाएं राजा की होती हैं। प्रचुर रोमावलियों से युक्त छोटे छोटे हाथ निर्धन के होते हैं। हाथी के सुंड के समान सुंदर भुजाएं श्रेष्ठ मानी गई हैं। भवन में वायु प्रवेश के लिए बने द्वार के समान बनी हुई अंगुलियां शुभ होती हैं। मेधावी जनों की अंगुलियां छोटी होती हैं। चिपटाकार अंगुलियां भृत्यों में पाई जाती हैं। स्थूल अंगुलियों के होने पर मनुष्य निर्धन होता है। जब मनुष्य की अंगुलियां कृश होती हैं तो वे विनयी होती हैं। बंदर के सदृश हाथ के होने पर मनुष्य निर्धन और बाघ के समान हाथ होने पर बलवान होते हैं। इसी प्रकार शुभाशुभ लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि करतल भाग के निम्न होने से मनुष्य पिता के द्वारा संचित धन को नष्ट करने वाले होते हैं। मणिबंध के सुगठित श्लिष्ट तथा सुगंध युक्त होने पर व्यक्ति को राजपद की प्राप्ति होती है। कटे पटे कर भाग से युक्त शब्द करने वाले मणिबंध के रहने से मनुष्य धनहीन और नीच प्रवृत्ति के माने जाते हैं। अर्थात गोलाकार संवृत एवं गहरे करतलों के होने से मनुष्य को धनवान कहा गया है। उन्नत करतलों के होने पर व्यक्ति दानी और विषम भाग वाले व्यक्ति कठोर होते हैं। लाक्षारस के समान करतलों के होने से प्राणी राजा होते हैं। पीत वर्ण वाले करतलों से युक्त व्यक्ति परस्त्री के साथ रमण करने वाले होते हैं। जिनके हाथ और तल प्रदेश रूखे हैं वे मनुष्य निर्धन होते हैं।
तुष के समान रंग से युक्त नख वाले लोग नपुंसक कुटिल तथा फटे हुए नख वाले धनहीन होते हैं। विवर्ण नख वाले दूसरे के साथ तर्क करने वाले होते हैं। ताम्र वर्ण के सदृश रक्ताव नख वाला मनुष्य राजा होता है। यव चिन्ह से युक्त अंगुलियों वाला व्यक्ति अत्यधिक धन वैभव से युक्त होते हैं। अंगुष्ठ के मूल भाग में यव चिन्ह के होने से व्यक्ति पुत्रवान होता है। लंबे पर्वों से युक्त अंगुलियों के होने पर दीर्घायु पुत्र पौत्रादि से परिपूर्ण होता है, किंतु विरल अंगुलियों वाला व्यक्ति निर्धन होता है। सघन अंगुलियों के होने से मनुष्य धन संपन्न होता है। मणिबंध से निकलकर तीन रेखाएं जिसकी करतल भाग को पार कर जाती हैं, वह भी राज चिन्ह है, वह भी राजा होता है। दो मत्स्यांकित करतल भाग वाला पुरुष यज्ञकर्ता एवं दानी होता है। वज्राकार चिन्ह वाले करतल धनी जनों के होते हैं। विद्वान का करतल भाग मीन पुच्छ के चिन्ह से अंकित होता है। राजा के करतल में शंख छत्र शिविका गज और पद्माकार चिन्ह रहते हैं। अतुलनीय ऐश्वर्य संपन्न राजा के करतल में कुंभ अंकुश पताका तथा मृणाल के समान चिन्ह रहते हैं। गोधन के स्वामी जनों के करतलों में रश्मि के चिन्ह होते हैं। जिनके हाथ में स्वस्तिक का चिन्ह होता है वह सम्राट होता है। राजा के हाथ में चक्र कृपाण तोमर धनुष और भाले के आकार के चिन्ह होते हैं। ओखली के चिन्ह से युक्त व्यक्ति यज्ञादिक कर्मकांड में निष्णात होता है। जिनके हाथों में वेद काकार रेखा होती है वे अग्निहोत्री होते हैं। वापी देवकुल्या तथा त्रिकोण रेखाओं के रहने पर मनुष्य धार्मिक होता है। अंगुष्ठ मूल तक रेखा के होने से व्यक्ति पुत्रवान होते हैं। यदि वे रेखाएं सूक्ष्म होती हैं तो उन्हें कन्याएं होती हैं। कनिष्ठिका के मूल से निकलकर तर्जनी के मूल तक रेखा का विस्तार होने पर मनुष्य शतायु होता है, किंतु किसी स्थान पर उसके विच्छिन्न होने पर प्राणी को वृक्ष से गिरकर मृत्यु का भय बना रहता है। बहुत सी रेखाओं के होने से मनुष्य दरिद्र होते हैं। चिबुक के कृष होने पर भी मनुष्यों को धनहीन समझना चाहे, किंतु जिनकी ठुड्डियाँ मांसल होती हैं वे धन संपदाओं से परिपूर्ण होते हैं। अरुणभाग बिंबाफल के समान सुंदर अधरों से सुशोभित मुख राजाओं का माना गया है, किंतु जिसके ओष्ठ रूखे खंडित फटे हुए तथा विषम होते हैं वे निर्धन होते हैं। स्निग्ध चमकते हुए सघन एवं समान भाग वाले सुंदर तीक्ष्ण दांतों का होना शुभ है। रक्त वर्ण के समतल चिकनी एवं दीर्घ जिह्वा श्रेष्ठ होती हैं। राजाओं का मुख कठोर सम सौम्य गोल मल रहित तथा स्निग्ध होता है। दुख भोगने वाले लोगों के इन लक्षणों के विपरीत लक्षण होते हैं। कुत्सित एवं भाग्यहीनों को स्त्री मुखी पुत्र प्राप्त होता है। धनी लोगों का मुख गोलाकार तथा निर्धनों का मुख लंबा होता है। पाप कर्म का मुख भयाक्रांत होता है। धूर्तों के मुख चौकोर पुत्रहीनों के निम्न एवं कंचूसों के छोटे मुख होते हैं। भोगी जनों का सुंदर मुख होता है। आभामय मूछों से युक्त स्निग्ध शुभ तथा कोमल होता है। चोर वृत्ति वाले व्यक्ति निस्तेज मुरझाई हुई लाल वर्ण की दाढ़ी और मूछों वाले होते हैं। रक्त वर्ण के थोड़े तथा कड़े बाल युक्त दाढ़ी वाले और छोटे छोटे कानों वाले मनुष्यों की मृत्यु पाप कर्म करने से होती है। मांस रहित चिपटे कानों वाले लोग भोगी और अत्यंत छोटे छोटे कानों से युक्त मनुष्य कंचूस होता है। षड्वाकार कानों के होने पर मनुष्य राजा होता है तथा रोम राशि से भरे होने पर उसे क्षीण आयु की प्राप्ति होती है। बड़े कानों वाले धनी अथवा राजा माने गए हैं। स्निग्ध विस्तृत मांसल तथा दीर्घ कानों वाले राजा होते हैं। निम्न गंडस्थल वाला भोगी और पूर्ण सुडौल एवं सुंदर होने पर मनुष्य मंत्री होता है। सुगे की नासिका के समान सुंदर नासिका वाला व्यक्ति सुखी और शुष्क नासिका वाला दीर्घजीवी होता है। नासिका का अग्रभाग छिन्न तथा कूप के समान नासिका के होने पर मनुष्य अगम्य स्त्री के साथ सहवास करता है। दीर्घ नासिका के रहने पर सौभाग्यवान एवं आंकुंचित अर्थात टेढ़ी नासिका होने से व्यक्ति चौर कार्य में प्रवृत्त होता है। नासिका की चिपटी होने पर
मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है। भाग्यवान की नासिका छोटी होती है। चक्रवर्ती सम्राट की नासिका में छोटे छोटे गोल और सीधे छिद्र होते हैं। दक्षिण भाग की ओर नासिका के वक्र होने पर मनुष्यों में क्रूर स्वभाव होता है। वक्र उपांत भागों के युक्त तथा पद्म पत्र के समान सुंदर नेत्र सुखी लोगों के होते हैं। वल्ली के सदृश नेत्रों के होने पर मनुष्य पापात्मा तथा मधुपिंगल वर्ण वाले नेत्रों के होने पर वह दुरात्मा होता है। केकड़े के नेत्रों की भांति नेत्र होने से व्यक्ति क्रूर और हरित वर्ण के नेत्र वाले पाप कर्म में अनुरक्त होते हैं। वक्र नेत्र होने वाला बलवान पुरुष कहा गया है। हाथी के समान नेत्र वाला पुरुष सेनानी कहा गया है। गंभीर नेत्र वाला पुरुष राजा तथा स्थूल नेत्र वाला पुरुष मंत्री कहा गया है। नील कमल के सदृश नेत्रों के होने पर व्यक्ति विद्वान होता है तथा श्याम वर्ण के नेत्र वाले सौभाग्यशाली होते हैं। कृष्ण वर्ण के तारक बिंदुओं से युक्त नेत्र वाला पुरुष उत्पाटन क्षमता रखता है। मंडलाकार नेत्र होने पर व्यक्ति पापी तथा दैन्य भाव युक्त होता है। सुंदर एवं विशाल नेत्र वाले संसार में विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। जिनके नेत्र अधिक उन्नत अर्थात ऊपर की ओर अधिक उठे होते हैं वे अल्पाय होते हैं। विशाल और उन्नत नेत्रों के होने पर मनुष्य सुखी होते हैं। विषम भाव वाले दरिद्र होते हैं तथा दीर्घ सघन एक दूसरे से संयुक्त बाल चंद्र के सदृश पतले वक्र एवं उन्नत सुंदर भावों से सुशोभित प्राणी धन वैभव से संपन्न होते हैं। मध्य भाग में कटी हुई भावों के होने पर मनुष्य निर्धन तथा झुकी हुई भावों के होने से अगम्य स्त्री में रत होने वाले और पुत्र से रहित होते हैं। उन्नत विशाल शंखाकार एवं विषम मस्तक होने पर पुरुषों में निर्धनता और अर्धचंद्राकार ललाट के होने पर वे धन सम्पन्नादि से परिपूर्ण रहते हैं। सीप के समान आभा वाले तथा विशाल मस्तक वाले आचार्य के पद को सुशोभित करते हैं। जिनके मस्तकों पर सिराएं स्पष्ट प्रतीत होती रहती हैं वे पाप कर्म में लगे रहते हैं। उन्नत सिराओं से युक्त स्वस्तिकाकार सुंदर ललाट के होने पर मनुष्य धनवान तथा निम्न ललाट के होने पर बंदी बनाए जाने योग्य होते हैं और क्रूर कर्मों को करते हैं। गोल ललाट वाले कृपण और उन्नत भाल वाले राजा होते हैं। लोगों को असुर रहित दीनता रहित स्निग्ध रुदन मंगलकारी होता है तथा अविरल अश्रुधारा वाला दैन्य भाव को प्रकट करता हुआ रूखा रुदन सुखकारी होता है। कंपन रहित हंसी श्रेष्ठ होती है। आंख मूंद कर हंसने वाला व्यक्ति पापी कहा गया है अथवा पापी होता है। बार बार हंसने वाला दुष्ट आत्मा होता है और उन्मत्त की हंसी अनेक प्रकार की होती है। इस प्रकार ये शुभ अशुभ रेखाएं हास्य प्रहास्य वृत्ति जीवन में प्रत्येक मानव की होती हैं। इनके द्वारा उसके जीवन का कार्य कारण का निर्धारण किया जा सकता है। विद्वान पुरुष अथवा विद्वान राजा इन्हीं के द्वारा नीति का आधार लेकर के दंड निर्धारित करते हैं। भगवान श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, 100 वर्ष तक जीवन प्राप्त करने वाले लोगों के मस्तक पर 3 रेखाएं होती हैं। मस्तक पर 4 रेखाओं के होने पर मनुष्य राजा होता है और उसकी आयु 95 वर्ष की होती है। रेखा रहित ललाट वाला व्यक्ति 90 वर्ष जीवित रहता है। विच्छिन्न रेखाओं से व्याप्त मस्तक वाले पुरुष लंपट होते हैं। मस्तक पर केश पर्यंत रेखाओं के होने से मनुष्य की आयु 80 वर्ष की होती है। 5, 6 अथवा 7 रेखाओं के होने से प्राणी की आयु 50 वर्ष तथा 7 से अधिक रेखाओं के होने पर 40 वर्ष की आयु माननी चाहिए। मस्तक पर रेखाओं की वक्रता एवं भौं पर्यंत स्थिति होने पर पुरुष 3 वर्ष तथा बाएं ओर वक्र होने पर 20 वर्ष की अल्पायु को प्राप्त करते हैं। रेखाओं के छुद्र होने पर मनुष्य अल्पायु होता है। छत्राकार सिर वाला मनुष्य राजा और निम्न सिर वाले धनी होते हैं। चिपटे सिर से युक्त पुरुष के पिता की मृत्यु शीघ्र होती है।
मंडलाकार सिर होने पर व्यक्ति गौ आदि प्राणियों से संपन्न होते हैं। घटाकार मूर्धा भाग के होने पर मनुष्य पाप में अभिरुचि रखने वाला तथा धनहीन होता है। काले काले घुंघराले स्निग्ध एक छिद्र में एक एक उत्पन्न अभिन्न अग्रभाग वाले अत्यधिक न छोटे न बड़े सुंदर केशों वाले राजा होते हैं। एक छिद्र में अनेक बाल वाले विषम स्थूलाग्र तथा कपिल वर्ण के केशों से युक्त पुरुष निर्धन होते हैं। अत्यंत कुटिल सघन एवं काले बाल वाले भी निर्धन होते हैं। मनुष्य के जो अंग अतिशय रूक्ष शिराओं से व्याप्त तथा मांस रहित होते हैं वे सभी अशुभ हैं। यदि वे अंग इसके विपरीत होते हैं तो उन्हें शुभ मानना चाहे। मानव शरीर में 3 अंग विशाल और 3 अंग गंभीर, 5 अंग दीर्घ तथा सूक्ष्म, 6 अंग उन्नत, 4 हृष्ट एवं 7 अंग रक्त वर्ण के होने पर वह राजा होता है। नाभि स्वर तथा सत्व ये 3 गंभीर होने चाहे। ललाट मुख तथा भक्षस्थल, विशाल नेत्र, कक्षा नाशिका तथा कृकाटिका अर्थात गर्दन का उठा हुआ भाग, सिर और गर्दन का जोड़, इन 6 को उन्नत होना चाहे। ऐसा होने पर मनुष्य राजा होता है। जंघा ग्रीवा लिंग तथा पृष्ठभाग ये 4 अंग हृष्ट होने चाहे। करतल ताल अदर और नख ये 4 रक्त भाग होने चाहे। नेत्रांत भाग, चरण तल, जिह्वा और दोनों ओष्ठ ये 5 सूक्ष्म होने चाहे। दांत अंगुली पर्व नख केश और त्वचा ये 5 अंग दीर्घ होने पर शुभ कार्य होते हैं। दोनों स्तनों का मध्य भाग, दोनों भुजाएं, दांत, नेत्र और नासिका का भी दीर्घ होना शुभ है। इस प्रकार मनुष्यों का लक्षण कहकर अब स्त्रियों का लक्षण बताता हूँ, सुनो। रानी के दोनों चरण स्निग्ध समान पद वाले, ताम्र वर्ण की आभा से सुशोभित, नखों से युक्त, सघन अंगुलियों वाले तथा उन्नत अग्रभाग वाले होते हैं। ऐसी स्त्री को प्राप्त कर मनुष्य राजा बन जाता है। गुल्फ गुड़ प्रदेश से युक्त पद्म पत्र के समान चरण तल शुभ होते हैं। जिनके चरण तलों में पसीना नहीं छूटता है और वे कोमल होते हैं उनमें मत्स्य, अंकुश, ध्वज, वज्र, पद्म तथा हल्का चिन्ह बना हुआ होता है तो वह रानी होती है। इन लक्षणों से रहित चरण वाली स्त्री दासी होती है। स्त्रियों की रोम रहित सुंदर शिराविहीन गोल गोल जंघाएं शुभ हैं। संध स्थान तथा दोनों जानों समान होने चाहे, ऐसा शुभ होता है। गजसुंड के सदस्य रोम रहित तथा समान भाग वाले दोनों उर श्रेष्ठ माने जाते हैं। विस्तीर्ण मांसल गंभीर विशाल तथा दक्षिणावर्त नाभि तथा मध्य भाग में त्रिवलियां श्रेष्ठ होती हैं। स्त्रियों के रोम रहित विशाल भरे हुए सघन एवं समान भाग वाले कठोर स्तन प्रदेश शुभ हैं। रोम रहित शंख के आकार वाले सुंदर ग्रीवा प्रशस्त होती हैं। अरुणाभ अधरोष्ठ वाला तथा वर्तुलाकार मांसल भरा हुआ मुख श्रेष्ठ होता है। कुंद पुष्प के समान दंत पंक्ति तथा कोयल की भांति वाणी शुभ होती है। जो सदैव दाक्षिण्य भाव से परिपूर्ण रहती है उसमें सटता नहीं होती अपितु हंस के समान मधुर शब्दों का प्रयोग करके वह दूसरों को सुख प्रदान करती है, वही स्त्री श्रेष्ठ होती है। स्त्रियों की नासिका और नासिका छिद्र समान होना मनोहार एवं मंगलदायी माना गया है। स्त्रियों के नील कमल के समान नेत्र अच्छे होते हैं। बाल चंद्र के सदृश भावों का शुभ होना माना गया है किंतु उनका मोटा होना अच्छा नहीं। उनका मस्तक अर्धचंद्र के समान सुंदर समतल तथा रोम विहीन होना शुभ है। सुंदर समान मांसल एवं कोमल कान श्रेष्ठ होते हैं। स्त्रियों के चिकने नील वर्ण वाले मृदु और घुंघराले केश प्रशस्त माने गए हैं। उनका शम आकार वाला सिर शुभ होता है। चरण तल अथवा करतल में अश्व, हस्त, स्त्री, वृक्ष, यूफ, बाण, यव, तोमर, ध्वज, चामर, माला, पर्वत, कुंडल, वेदी, छत्र, शंख, पद्म, स्वस्तिक, रक्त तथा अंकुश आदि चिन्ह वाली स्त्रियां राजबल्लभा होती हैं। स्त्रियों के मांसल मणिबंध वाले तथा कमल दल के समान हाथों को शुभ माना जाता है। स्त्रियों के करतलों का न तो अधिक निम्न और न अधिक उन्नत होना अच्छा होता है। शुभ रेखाओं से व्याप्त करतल वाली स्त्रियां आजीवन सधवा रहकर विभिन्न प्रकार के सुखों का उपभोग करती हैं। हाथ में जो रेखा मणिबंध से निकलकर मध्यमा अंगुली तक जाती है वह ऊर्ध्व रेखा कही जाती है। ऐसी रेखा यदि स्त्री का पुरुष के करतल अथवा चरण तल में
अवस्थित रहती है तो वह स्त्री या पुरुष राज्य अथवा अन्य प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। कनिष्ठ का अंगुली के मूल से निकलकर तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों के मध्य भाग तक रेखा के पहुंचने पर स्त्री या पुरुष की आयु 100 वर्ष की होती है। यदि इन उंगलियों के बीच तक आने वाली रेखा का परिमाण उसकी उपेक्षा कम हो तो उसी अनुपात में उसकी आयु भी कम होती है। अंगुष्ठ मूलक रेखाओं के रहने पर स्त्री या पुरुष बहुत से पुत्रों या कन्याओं वाले होते हैं। स्थान स्थान पर आयु रेखा के छिन्न भिन्न होने से मनुष्य की आयु अल्प हो जाती है। यदि वह रेखा दीर्घ एवं अविच्छिन्न हो तो उस पुरुष अथवा स्त्री को दीर्घ आयु माना जाता है। स्त्रियों के विषय में कहे गए ये सभी शुभ लक्षण हैं। इसके विपरीत लक्षणों के होने पर उन्हें अशुभ मानना चाहिए। 66वां अध्याय चक्रांकित सालग्राम शिलाओं के विविध नाम, तीर्थ महात्म्य तथा 60 संवत्सरों के नाम। भगवान श्रीहरि ने कहा, हे शिव, चक्रांकित सालग्राम शिवगा की पूजा सब प्रकार से कल्याणकारी अथवा मंगल प्रदान करती है। प्रथम सालग्राम शिला का नाम सुदर्शन है, इसमें एक चक्र का चिन्ह अंकित होता है। दूसरे शिला का नाम लक्ष्मी नारायण है, इसमें दो चक्रों के चिन्ह होते हैं। तीन चक्रों वाले शिला को अच्युत तथा चार चक्रों वाले शिला को चतुर्भुज कहा जाता है। इस प्रकार चक्र समन्वित अन्य सालग्राम शिलाओं को क्रमशः वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण तथा पुरुषोत्तम के नाम से अभिहित किया गया है। 9 चक्रों वाली शिला को नवव्यूह और 10 चक्रों वाली शिला को दशात्मक कहते हैं। एकादश चक्रों से युक्त शिला को अनिरुद्ध एवं द्वादश चक्रों से समन्वित शिला का नाम द्वादशात्मक है। उसके ऊपर चक्रों की चाहे जितनी संख्या हो उनसे लक्षित शिला मूर्ति का नाम भगवान अनंत कहा गया है। जो शिला मूर्ति सबसे सुंदर हो उसका पूजन करना चाहे। ऐसी सुदर्शन मूर्तियां पूजित होने पर सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। जहां सालग्राम और द्वारका शिला रहती है और उन दोनों शिलाओं का जहां संगम है वहां मुक्ति निश्चित रहती है, वहां मुक्ति रहती है, इसमें संशय नहीं। कि सालग्राम शिला यत्र देवो द्वारवती भवः, उभयोः संगमो यत्र तत्र मुक्तिर् न संशयः। हे शंकर, सालग्राम द्वारका नाम इस पुष्कर गया वाराणसी प्रयाग कुरुक्षेत्र शुकर क्षेत्र गंगा नर्मदा चंद्रभागा सरस्वती पुरुषोत्तम क्षेत्र तथा महाकाल का अधिष्ठान उज्जैनी, ये सभी तीर्थ सब प्रकार के पापों का नाश करने वाले एवं मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। प्रभव विभव शुक्ल प्रमोद प्रजापति अंगिरा श्रीमुख भाव युवा धाता ईश्वर बहुधान्य प्रमाथि विक्रम विभु चित्रभान स्वनभान तारक पार्थिव व्यव सर्वजित सर्वधारी विरोधी विकृति खर नंदन विजय जय मंथन दुर्मुख हेमलंब विलंब विकारी सर्वरी प्लव शुभकृत शोभन क्रोधि विश्वावशु पराभव प्लवंग कीलक सौम्य साधारण विरोधकृत परिधावी प्रमादी आनंद राक्षस नल पिंगल काल सिद्धार्थ रौद्री दुर्मति दुंदुभि रुधिरोद्गारी रक्ताक्ष क्रोधन एवं अक्षय, ये 60 संवत्सर अपने नाम के अनुसार शुभ और अशुभ फल प्रदान करने वाले हैं। 67वां अध्याय स्वरोदय विज्ञान। स्वर के उदय से कार्यों के शुभ और अशुभ का ज्ञान होता है। शरीर में बहुत प्रकार की नाड़ियों का विस्तार है। नाभि प्रदेश के नीचे जो कंदस्थान अर्थात मूलाधार है वहीं से उन नाड़ियों का अंकुरण होकर संपूर्ण शरीर में विस्तार होता है। 72,000 नाड़ियां नाभि के मध्य में चक्राकार अवस्थित रहती हैं। उन नाड़ियों में वामा दक्षिणा और मध्यमा नामक 3 श्रेष्ठ नाड़ियां हैं। उन्हीं को क्रमशः इड़ा पिंगला और सुषुम्ना कहा जाता है। इनमें वामा सोमात्मिका दक्षिणा सूर्य के समान तथा मध्यमा नाड़ी अग्नि के समान फलदायिनी एवं काल रूपिणी है। वामा नाड़ी अमृत रूपा है, वह जगत को आप्यायित करती रहती हैं। दक्षिणा नाड़ी अपने रौद्र गण से सदैव जगत का पोषण करती रहती हैं। जब शरीर में इन दोनों का एक साथ प्रवाह होता है उस समय समस्त कार्यों का विनाश करने वाली मृत्यु आ जाती है।
यात्रा के लिए प्रस्थान काल में वामा तथा प्रवेश के अवसर पर दक्षिणा नाड़ी प्रवाह को शुभ माना जाता है। ईड़ा अर्थात वामा के श्वास प्रवाह काल में ऐसा सौम्य शुभ कार्य करना चाहिए जो चंद्र के समान जगत के लिए शुभकारी हो, तथा पिंगला अर्थात दक्षिणा नाड़ी में प्राणवायु के प्रवाहित होने के समय सूर्य के समान तेजस्वी क्रूर कर्म कार्य करना चाहिए। यात्रा में सभी कार्यों में तथा विष को दूर करने में ईड़ा नाड़ी का चलना अच्छा होता है। भोजन मैथुन युद्धारम्भ में पिंगला नाड़ी सिद्धदायक होती है। उच्चाटनादि अविचार कार्यों में पिंगला नाड़ी का चलना उत्तम होता है। मैथुन संग्राम और भोजन करते समय राजाओं को पिंगला नाड़ी के श्वास प्रवाह पर ध्यान रखना चाहिए। शुभ कार्यों के संपादन में यात्रा में विषापनोध में तथा शांत एवं मुक्ति की सिद्धि में राजाओं को ईड़ा नाड़ी की गति पर विचार करना चाहिए। पिंगला एवं ईड़ा नामक दो नाड़ियां चल रही हों तो क्रूर तथा सौम्य दोनों प्रकार का कार्य न करें। विद्वान को यह समय विष के समान मानना चाहिए। सौम्यादिक शुभ कार्यों में लाभादि के कर्मों में विजय के लिए जीवन के लिए तथा गमनागमन के लिए वामा नाड़ी सर्वत्र प्रशस्त मानी गई है। घात प्रतिघात युद्धादि के क्रूर कार्य भोजन स्त्री सहवास में दक्षिणा नाड़ी प्रशस्त होती है। प्रवेश तथा क्षुद्र कार्यों में भी दक्षिणा नाड़ी श्रेष्ठ मानी गई है। शुभ अशुभ लाभ हानि जय पराजय तथा जीव और मृत्यु के विषय में प्रश्न करने पर यदि प्रश्नकर्ता की उस समय मध्यमा नाड़ी चल रही हो तो सिद्धि प्राप्त होती है, और यदि वामा तथा दक्षिणा नाड़ी के चलते समय वह प्रश्न हो तो निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं। इसी प्रकार प्रश्नकर्ता के स्वर में उदय तथा प्रश्नकर्ता की अवस्थिति आदि पर विचार करने से भी कार्य की सिद्धि असिद्धि का निर्णय तथा शुभ अशुभ फल का काल का ज्ञान किया जा सकता है। इसके लिए स्वरोदय विज्ञान की जानकारी अपेक्षित होती है। 68वां अध्याय रत्नों के प्रादुर्भाव का आख्यान तथा वज्र की परीक्षा हीरे की परीक्षा। सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों अब मैं रत्न परीक्षा का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में बल नामक एक असुर था, उसने इंद्रादि सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। उसको जीतने में देवगण समर्थ नहीं थे, अतः असमर्थ देवों ने एक यज्ञ करने का विचार किया और उस असुर के सन्निकट पहुंचकर उससे यज्ञ पशु बनने की अभ्यर्थना की प्रार्थना की। वचनबद्ध बलासुर ने अपना शरीर उन देवों को दान में दे दिया था, अतः अपने वाग वज्र से वह पशुपत मारा गया, पशु की भांति मारा गया। वचन पर अडिग पशु शरीर वाले उस असुर ने संसार के कल्याणार्थ एवं देवताओं की हित कामना के कारण यज्ञ में शरीर का परित्याग किया था। उस विशुद्ध कर्म को करने से उसका शरीर भी विशुद्ध सत्व गुण संपन्न हो उठा था, अतः उसके शरीर के सभी अंग रत्नों के बीज के रूप में परिणित हो गए। इस प्रकार रत्नों की उत्पत्ति होने पर देवता यक्ष सिद्ध तथा नागों का उस समय बहुत बड़ा उपकार हुआ। जब वे सभी विमान के द्वारा उसके शरीर को आकाश मार्ग से ले जाने लगे तो यात्रा वेग के कारण उसका शरीर स्वतः खंड खंड होकर पृथ्वी पर इधर उधर गिरने लगा। बलासुर के शरीर के अंग खंड खंड होकर समुद्र नदी पर्वत वन अथवा जहाँ कहीं रंच मात्र भी गिरे वहाँ रत्नों की खान बन गई, और उन स्थानों की प्रसिद्धि उन्हीं रत्नों के नाम पर हुई। पृथ्वी की उन खानों में विविध प्रकार के रत्न उत्पन्न होने लगे जो राक्षस विष सर्प व्याधि तथा विविध प्रकार के पापों को नष्ट करने में समर्थ हैं। रत्नों के विविध प्रकारों को हीरा मुक्तामणि पद्मराग मरकत इंद्रनील वैदूर्य पुष्पराग करकेतन पुलक रुधिर स्फटिक तथा प्रबालादि कहा गया है। पारदर्शी विद्वानों ने उनका यह नामकरण तथा संग्रह यथा योग्य गुणों के द्वारा गुणों को दृष्टि में रख कर किया गया है। अतः रत्न पार की विद्वानों को सर्वप्रथम रत्नों के आकार वर्ण गुण दोष फल परीक्षा तथा मूल्य आदि का ज्ञान तत्संबंधी सभी शास्त्रों के द्वारा विधिवत प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि कुत्सित लग्न या अनेक कुयोगों से बाधित अशुभ दिनों में जिन रत्नों की उत्पत्ति होती है वे सभी दोष पूर्ण होकर अपनी गुण क्षमता को नष्ट कर देते हैं। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले राजा को चाहे कि वह परीक्षा से किए गए अत्यंत शुद्ध रत्न को धारण करे अथवा उसका संग्रह करे।
जो रत्न शास्त्रों के ज्ञाता कुशल रत्न संग्रही तथा परीक्षण कार्य में दक्ष होते हैं उन्हीं को रत्नों के मूल्य और मात्रा को जानने वाले कहा गया है। वज्र को महाप्रभावशाली कहा गया है, इसके लिए सर्वप्रथम उसकी परीक्षा को बताते हैं कि वज्रायुध इंद्र पर विजय की अभिलाषा करने वाले उस बल नामक असुर के अस्थि भाग पृथ्वी पर जिन जिन स्थानों में गिरे वे हीरे बनकर उन स्थानों में नाना प्रकार की आकृति वाले हो गए। हिमाचल, मातंग, सौराष्ट्र, पौंड्रंग, कलिंग, कौशल, वेणवाटक तथा शौवीर नामक आठ भूभाग हीरों के क्षेत्र हैं। हिमालय से उत्पन्न हीरे ताम्रवर्ण, वेणुका के उत्पन्न हीरे चंद्रमा के समान, शौवीर देश वाले नीलकमल के समान तथा कृष्ण मेघ के समान हैं। सौराष्ट्र प्रांतीय हीरा ताम्रवर्ण एवं कलिंग देशीय हीरा सुवर्ण के समान आभा वाला होता है। इस प्रकार कौशल देश के हीरों का वर्ण पीत, पुंड्र देशीय हीरों का वर्ण श्याम तथा मतंग क्षेत्र वाले हीरे का वर्ण हल्के पीत वर्ण का होता है, हल्का पीलापन। यदि इस संसार में कहीं पर भी अत्यंत क्षुद्र वर्ण पार्श्व भागों में वाली प्रकार से परिलक्षित होने वाली रेखा बिंदु कामला काक पद और त्रास दोष से रहित परमाणु की भांति अत्यंत लघु तथा तीक्ष्ण धार से युक्त जो भी हीरा दिखाई देता है उसमें निश्चय ही देवता का वास समझना चाहिए। रंग के अनुसार हीरों के देवताओं को विग्रह का निश्चय किया गया है। वर्ण को ध्यान में रखकर ही हीरा का विभाजन करना चाहिए। हरित वर्ण, श्वेत वर्ण, पीला, श्याम वर्ण तथा ताम्र वर्ण का हीरा स्वभावतः सुंदर होता है। उन हीरों में क्रमशः विष्णु, वरुण, इंद्र, अग्नि, यम और मरुद देव का वास होता है, अर्थात मरुद देव प्रतिष्ठित रहते हैं। ब्राह्मण के लिए शंख, कुमुद अथवा स्फटिक के समान शुभ्र वर्ण का हीरा प्रशस्त होता है। क्षत्रिय के लिए सस बभ्रु वर्ण का हीरा अच्छा होता है। भूरे वर्ण के धातु विशेष समान वर्ण वाला, ब्लोचन आंख की तारा के समान वर्ण वाला और वैश्य के लिए कांत अथवा कदली दल के समान आभा वाला प्रशस्त होता है। शूद्र वर्ण के लिए धौत के समान अथवा तलवार के सदृश हीरा प्रशस्त माना गया है। विद्वानों ने राजाओं के योग्य दो प्रकार के हीरों का उत्तम माना है जो अन्य लोगों के लिए प्रशस्त नहीं होते। जो हीरा जवावरण तथा प्रवाल के समान रक्त वर्ण अथवा हल्दी के सदृश पीत वर्ण का होता है वह राजाओं के लिए लाभप्रद होता है। सभी वर्णों का स्वामी होने के कारण अथवा समस्त गुणों के उद्देश्य से राजा को सभी के कल्याण की इच्छा से उक्त दो प्रकार के हीरों को धारण करना चाहिए। ऐसे हीरों को धारण करने का अधिकार अन्य के लिए किसी भी प्रकार से नहीं है। जिस प्रकार लोक में निम्न और उच्च वर्ण का वर्ण सांकर्य दोषावह एवं दुखदायी होता है, रत्नों का वर्ण सांकर्य उससे भी अधिक दुखदायी माना गया है। केवल वर्ण मात्र को देखकर ही विद्वान को रत्न का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गुणवान रत्न होता है वही गुण और संपत्ति की विभूति होता है। इसके विपरीत गुणहीन रत्न कष्ट का हेतु होता है, दुख देने वाला होता है। जिस हीरे का एक भी श्रृंग टूटा हुआ हो अथवा छिन्न भिन्न दिखाई देता हो तो गुणवान होने पर भी धनार्थी जन को उसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए।